Welcome everyone to India's largest learning platform, Unacademy. आप Unacademy का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन लेने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं. आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. Unacademy का कोर्स है वो प्रॉपरली प्लान्ड और थरोली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं. आप जो है लाइव टेस्ट और अटेंड कर सकते हैं और आपको प्लेटफॉर्म की अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है. इसके लिए आपको करना होगा Unacademy का लर्निंग ऐप डाउनलोड और डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से. मेरा नाम अशफाल जनवा है. मैंने जो यूपीएससी एग्जाम है दो बार जो है क्वालिफाई किया है यूपीएससी मेंस के लिए. आई हैव आल्सो क्वालिफाइड फॉर स्टेट पीएससी इन 2013-2016. आई एम अपीयरिंग फॉर आरएस 2018 इंटरव्यू. Unacademy पर कई जो है टॉप क्लास एजुकेटर है, आप उनसे क्लास ले सकते हैं. कुछ टेक्निकल एरर है, एक बार मैं इसको जो है रिमूव कर देता हूं. I have also qualified for RS examination in 2013-2016. I am appearing for RS 2018 interview. और मुझे स्टेट पीएससी और यूपीएससी के लिए पढ़ाने का 3 to 5 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है. आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं. ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और जो भी क्लासेस हो रही है उनका पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर किया जाता है. तो इस क्लास का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पर आपको मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा. टेलीग्राम में हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे डेली और मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे. तो काफी सारी एक्टिविटीज होगी. तो टेलीग्राम ज्वाइन करना आपके लिए बेनिफिशियल है. Unacademy के जो टॉप एजुकेटर है उनमें मृणाल पटेल सर, रोमन सेनी सर, आयुष सांगी सर, ये टॉप क्लास एजुकेटर है. सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ये है कि प्रिपरेशन की एंटायर फेज यानी कि आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर फेज का कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज कराया जाएगा. और सब्सक्रिप्शन की जो फीस है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार. वन ईयर की सब्सक्रिप्शन फीस है 44,000 रुपीज और टू ईयर की सब्सक्रिप्शन फीस है 64,000 रुपीज. अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम एक साल का सब्सक्रिप्शन लें और उसमें मेरा कोड यूज करें AJ01. आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको देने होंगे सिर्फ 39,600 रुपीज. तो अगर हम मंथली निकालें तो करीब 3300 रुपये पड़ता है आपके मंथली चार्जेस है. जबकि यहाँ पर अगर आप सिर्फ एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 8,000 रुपीज देना पड़ रहा है.
3300 रुपए पड़ते हैं लगभग, और अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके 2300-2400 रुपए में पड़ता है, तो काफी सस्ता होता है लॉन्गर ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन। आपको कोड यूज करना है AJ01। अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो स्कीम है आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, डेली मेंस की क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, सारी की सारी जो है कस्टमाइज ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराई जाती है। एक जो पर्सनल कोच आपको असाइन किया जाएगा जो प्रिपरेशन की जो एंटायर ड्यूरेशन जब तक का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है आपके साथ में रहेंगे कोच और आपको गाइड करेंगे। इसकी जो फीस है वो है 57,600 रुपीज, लेकिन ये तब होगी जब आप मेरा कोड यूज करेंगे AJ01, 10% ऑफ मिलेगा। 2 ईयर की जो फीस होगी वो 89,100 होगी। चलिए क्विक रिविजन मॉड्यूल जो मॉर्निंग में हमारा चल रहा है, करंट अफेयर के 400+ टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं और उसमें एनवायरनमेंट चल रहा है। एनवायरनमेंट की आज तीसरी क्लास थी मॉर्निंग में 8 to 9 AM बिगनर टू मास्टर B2M जो चैनल है। इस पर जो है क्विक रिविजन मॉड्यूल सीरीज चल रहा है उसकी थ्योरी, इस टॉपिक की थ्योरी की क्लास मॉर्निंग में हो चुकी है। हमने टॉपिक कवर किए थे 41 to 60, उसी पर हम MCQ ले रहे हैं। तो अगर ये क्लास को आपको इफेक्टिव बनाना है, ज्यादा फ्रूटफुल बनाना है, तो मॉर्निंग की थ्योरी वाली क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी, ताकि आपको MCQ सॉल्व करने में मजा भी आएगा और आपके आंसर भी सही होंगे। चलिए पहला MCQ हम सोल्व कर रहे हैं और एक नई फीचर लेके आया हूं मैं, जिसमें हम काउंट डाउन करेंगे। मैं आपको टाइमर के साथ में 30 सेकंड का टाइम दूंगा और 30 सेकंड के अंतर्गत 30 सेकंड में आपको जो है इसको सोल्व करना रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड हम मॉर्निंग में कवर कर चुके हैं। इट इज ए रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट ऑन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और लाइकली टू अकर। सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है, इंडियन वेटलैंड्स इन द मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड आर चिलिका लेक उड़ीसा एंड केलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। ये स्टेटमेंट 2 है। करेक्ट आंसर बताना है आपको 1, 2, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर इनकरेक्ट। नंदिनी जी वेलकम। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, मैं टाइमर शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन आई होप यू ऑल हैव रेड द क्वेश्चन एंड मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं और आपको लिमिटेड टाइम ही मिलेगा इसमें। थर्टी सेकेंड के का जो टाइम है आपके पास उसमें आंसर देना है आपको, क्योंकि ये टाइमर इसलिए लगाया गया है कि UPSC में भी आपको लिमिटेड टाइम ही मिलता है। अंकित जी वेलकम, गुड इवनिंग। चलिए 30 सेकंड का टाइम ओवर हो गया है। नंदिनी जी का आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड वो है जहां पर वो रामसर मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड में वो रामसर वेटलैंड शामिल किए जाते हैं जिनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं। और स्टेटमेंट बी जो है उसमें मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड में इंडिया के 2 वेटलैंड शामिल है, केलादेव नेशनल पार्क तो सही है, चिलिका लेक इनकरेक्ट है, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए और इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देख लेते हैं। 10 न्यू रामसर साइट इन इंडिया ये मॉर्निंग में हमने कवर किया था। मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड क्या है, एक रजिस्टर है और वो रजिस्टर में उस रजिस्टर में उन वेटलैंड को जो इंक्लूड किया जाता है जिनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस आ रहे हों किसी भी रीजन से। और 2 जो साइट है
इंडिया की इस रिकॉर्ड में है। एक तो लॉकटक लेक है मणिपुर में और एक केलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान का, तो दोनों की दोनों जो साइट है उसमें इंक्लूडेड है। पहले चिलिका लेक इसमें शामिल थी, लेकिन प्रेजेंटली चिलिका लेक इसमें शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कुछ एडिशनल फैक्ट्स है। फर्स्ट रामसर साइट है इंडिया के केलादेव और चिलिका। लार्जेस्ट है सुंदरबन, स्मॉलेस्ट है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट जो है यूपी में है, पहले यूपी में एक था, 6 और नए रामसर साइट इंक्लूड हुए हैं, तो टोटल 7 हो गए हैं। तो इस तरह से इसको हमने सुबह मॉर्निंग में भी कवर किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं पहले पढ़ूंगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रामसर साइट एंड स्टेट आर नॉट इज आर नॉट मैच्ड करेक्टली। नंदूर महाराष्ट्र, संधि उत्तर प्रदेश, नांगल पंजाब, समन बिहार। इसका आंसर जो है अगर आपने मॉर्निंग वाली क्लास अटेंड की है तो आसानी से दे सकते हैं। टाइमर में स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। आपको रामसर साइट और स्टेट का पेयर है वो करेक्टली मैच करना है। टाइमर चालू हो गया है। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी आपको आंसर लग रहा है आंसर देने की कोशिश करेंगे, गलत होगा तो मैं उसको रेक्टिफाई कराऊंगा, वो मेरा काम है, आप पार्टिसिपेट करें। ओके, आंसर डी आया है। फर्स्ट जो है पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, सेकंड पेयर करेक्टली मैच्ड है, थर्ड करेक्टली मैच है और फोर्थ पेयर जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, और इसको हम आगे देख लेते हैं। समन जो है कहाँ पर है? समन उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने वही रामसर साइट ली है जिनको जो 10 नई रामसर साइट साइट जो है शामिल की है उन्हीं को लिया है, तो बिहार की कोई भी साइट शामिल नहीं है। तो आपको ये लॉजिक लगाकर आप इसका आंसर दे सकते थे। तो महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब की साइट्स जो है रामसर साइट में शामिल हुई है। करेक्टली मैच पेयर जो नहीं है वो है समन, समन बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। और थ्योरी की क्लास आप मॉर्निंग में जिन जिन लोगों ने भी क्लास अटेंड नहीं की है वो अटेंड कर लें, बहुत बेनिफिशियल क्लास है। आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर जो 1.5 साल का करंट अफेयर है वो थोरोली कवर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फोना फाउंड इन इंडिया एंड देयर स्टेटस इन IUCN रेड लिस्ट इज आर नॉट मैच्ड करेक्टली। फोना आपको दे रखा है और उसकी IUCN स्टेटस दे रखी है, तो कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं करता? इंडस रिवर डॉल्फिन इंडेंजर्ड, वाइट रम्प्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इजिप्शियन वल्चर वल्नरेबल, हंगूर डियर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हंगूर डियर जो है हमने फर्स्ट वाली क्लास में इसको कवर किया था। सो एवरीवन शुड ट्राई टू गिव द आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, टाइमर स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से। थ्योरी की क्लास नंदिनी जी मॉर्निंग में होती है 8 to 9, 8 to 9 AM, और चैनल का नाम है बिगनर टू मास्टर। और इस चैनल का नाम है यूपीएससी क्वेस्ट। यूपीएससी क्वेस्ट क्या है? सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए चैनल है। बिगनर टू मास्टर जो चैनल है वहां पर थ्योरी की क्लास होती है हमारी, और कोर्स का नाम है क्विक रिवीजन मॉड्यूल, तो आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं मैं।
ओके, टाइमर इज ओवर, किसी का आंसर नहीं आया है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टिपिकल बनाया है, यूपीएससी कई बार आपको इस तरह के प्रश्न पूछती है तो आपको टफ क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। व्हाइट रम्ड वल्चर, आपकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, व्हाइट रम्ड वल्चर जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हंगूल डियर जो है वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कश्मीर में मिलता है हंगूल डियर। अब आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में जो है उस पर दिमाग लगाइए। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो इंडेंजर्ड है, ये करेक्ट है, यानी इनकरेक्टली जो पेयर है वो ऑप्शन सी है, तो करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन सी। और इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, जो 10 रामसर साइट पढ़ी थी हमने उसमें जो जो भी स्पीसीज इम्पोर्टेंट फोना जो आए हैं वो मैंने इस क्वेश्चन में लिए हैं, तो आप थ्योरी से इस तरह से लिंक करेंगे, थ्योरी में हमने जो भी पढ़ा है उसी पर बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, इसीलिए थ्योरी क्लास अटेंड करना इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। होक डियर आया था ब्यास में, वो इंडेंजर्ड है। इंडस रिवर डॉल्फिन ये रहा इंडेंजर्ड, इजिप्शियन वल्चर इंडेंजर्ड है, और आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था मैंने, इजिप्शियन वल्चर को वल्नरेबल दे रखा था, यो तो ये इनकरेक्ट है। इसके अलावा व्हाइट रम्ड वल्चर जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इस तरह से ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। व्हाइट रम्ड वल्चर दोबारा आया है यहाँ पर, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके अलावा यहाँ भी इसका नाम आया है, नंदूर महाराष्ट्र में मिलता है ये, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद करते जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं अंकित जी, गलती होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गलत करेंगे तो सीखेंगे, सो उसको अदरवाइज नहीं लेना है आपको। आप थ्योरी की क्लास अगर अटेंड कर रहे होंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, तो आप एक बार उसको भी देख लें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, इट इज एंडेमिक टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, इट इज प्लेस्ड इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द IUCN रेड लिस्ट। ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, करेक्ट आंसर ओनली वन ओनली टू, दोनों करेक्ट है और दोनों इनकरेक्ट है। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग जो है हमने कवर किया था मॉर्निंग में, तो स्टेटमेंट वन कहता है कि वो वेस्टर्न घाट के लिए, वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है, और सेकंड की स्टेटमेंट कहता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। टाइमर चालू कर रहा हूं मैं, ध्यान से अगर आपने गलत आंसर दिया था आप उसको रेक्टिफाई करके सही आंसर दे सकते हैं। ओके अंकिता जी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और आंसर दीजिए। यहां पर स्टेटमेंट वन जो है करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू जो है इनकरेक्ट है। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग हमने मॉर्निंग में कवर किया था, और इसका स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, इंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल नहीं है, लीस्ट कंसर्न है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। तो कई बार हमारी टेंडेंसी होती है कि हम बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, ये हमारे एक नेचुरल टेंडेंसी आ जाती है, तो हमें गलती नहीं करनी। यूपीएससी भी आपसे जानबूझकर ऐसी गलती करवाता है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है और जो है मिस्टेक नहीं करना है। और IUCN की जो रेड लिस्ट की जो फ्लोरा और फौना के लिए मैं बार बार तीसरी बार बता रहा हूँ, आप एक पेपर लें और जो भी इम्पोर्टेंट स्पीसीज है उनका नाम यहाँ पर लिखें, फ्लोरा और फौना यहाँ लिखें और उसका स्टेटस इधर लिखें, दो पेज जो दो ब्लैंक पेज लें और उन पर जो 30-40 स्पीसीज जो न्यूज़ में रही है उनका नाम और स्टेटस लिखें और साथ में रखें, उसको 4-5 बार रिवाइज करें ताकि गलती नहीं होगी, और उसको कैटेगराइज कर लें। जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना को एक साथ में, इंडेंजर्ड को एक साथ में, वल्नरेबल को एक साथ में और लिस्ट कंसर्न को एक साथ में लिखकर इस तरह की क्लस्टरिंग करके याद रखें, तो आपसे गलती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग कहाँ पर है, जो है केरला में स्पॉट हुआ था, केरला में दिखा था, ये लिस्ट कंसर्न है और वेस्टर्न घाट के लिए एंडेमिक है। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रीन कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव,
Which of the following pair of the fauna found in India and their status in the IUCN red list are matched correctly? कौन सा correctly match करता है? Smooth coated otter, vulnerable, Eurasian otter, near threatened, fishing cat, vulnerable, all are matched correctly. Option D, all are matched correctly. Question आपने समझ लिया होगा, same nature का question है. और ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए कि फोना का स्टेटस क्या है. टाइमर चालू कर रहा हूँ और आंसर देने की कोशिश करें. ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. सारे के सारे करेक्टली मैच है और ये भी हमने कवर किया था. ये सारे के सारे जो स्पीसीज है चिलिका लेक में देखी गई थी, उसके आसपास देखी गई थी. फिशिंग केट जो है वल्नरेबल, यूरेशियन ऑटर नियर थ्रेटेंड, स्मूथ कोटेड ऑटर वल्नरेबल. तो आंसर क्या है? डी है. आप अगर आपसे गलती हुई तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए. स्मूथ कोटेड ऑटर वल्नरेबल, फिशिंग केट वल्नरेबल, दोनों को आपको जो है एक पेयर बनाना है, दोनों को साथ में याद रखना है. फिशिंग केट वल्नरेबल, स्मूथ कोटेड ऑटर वल्नरेबल, यूरेशियन ऑटर जो है नियर थ्रेटन्ड है. तो आप याद कर लीजिए इसको और आगे बढ़ रहा हूं मैं. चलिए, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है. गोल्डन बर्ड विंग जो मॉर्निंग में हमने कवर किया था, वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड एज द लार्जेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया. व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया? सिल्वर बर्ड विंग, साउदर्न बर्ड विंग, नॉर्दर्न बर्ड विंग या ईस्टर्न बर्ड विंग? आप इसका जो है गोल्डन बर्ड विंग जो है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी बटरफ्लाई है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है, या गोल्डन बर्ड विंग की डिस्कवरी अभी रिसेंटली हुई है तो इससे पहले कौन सी जो बटरफ्लाई थी जो इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई थी जो अब सेकेंड प्लेस पर पहुंच चुकी है? काउंटडाउन में स्टार्ट कर रहा हूं और ये मैं मॉर्निंग में कवर किया था. वीडियो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा. ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नो आइडिया है तो अभी मैं आपको आंसर बता देता हूँ. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. जो सदर्न बर्ड विंग है वो पहले इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई थी, लेकिन रिसेंटली जो है गोल्डन बर्ड विंग, इसकी इमेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी डिस्कवरी हुई है और ये इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई बनी है. और इसका जो विंग स्पान है ये वाला, इसकी विंग स्पान से बटरफ्लाई की साइज को मेजर किया जाता है. इसका 194 mm है और सदर्न बर्ड विंग जो था उसका 190 mm था. तो अभी ये जो है सेकंड प्लेस पर है. फर्स्ट पर कौन सा है? गोल्डन बर्ड विंग. तो अगर आपको आता है कि गोल्डन बर्ड विंग क्या है, तो एक बटरफ्लाई है, इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है. इंडिया की जो सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई है वो कौन सी है? सदर्न बर्ड विंग. चलिए एक और क्वेश्चन जो है लेते हैं. ओक्यूलू डेंटाविस होंगरी वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक डायनासोर स्कल रिसेंटली फाउंड इन कंबोडिया. इट इज द लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक डायनासोर स्कल रिसेंटली फाउंड इन श्रीलंका. इट इज द स्मॉलेस्ट प्री हिस्टोरिक डायनासोर स्कल recently found in Myanmar. Or it is the first
प्री हिस्टोरिक डायनासोर स्कल ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंड इन बिहार। और अगर आपने मॉर्निंग वाली क्लास अटेंड की है तो इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। अंकिता जी, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम लिंक दे रखा है, हर पीपीटी के नीचे लिंक दे रखा है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, मेरा ही टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओक्यूलो डेंटाबेस होंगरी क्या है ये, काउंटडाउन स्टार्ट कर, प्लीज आप लोग जो है आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो मॉर्निंग वाली थ्योरी वाले क्लास एक बार देख लें, और उसमें ये सब कुछ कवर कराया है। और ये जो वो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हम कवर कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है। चलिए टाइम इज ओवर। ये जो ओक्यूलो डेंटाबेस होंगरी है, ये डायनासोर का स्कल है, लेकिन मैंने ऑप्शन थोड़ा सा टिपिकल बनाया है, सब में डायनासोर स्कल डाल दिया है, लेकिन आपको यहां से कैच करना है कि म्यांमार में मिला है ये, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डायनासोर स्कल है जो अभी तक मिला है, और इसकी जो साइज है बहुत छोटे आकार का है, ये बर्ड के आकार का, एक डायनासोर जिसका आकार एक बर्ड के आकार का है, और उसका नाम है ओक्यूलो डेंटाबेस होंगरी, म्यांमार में मिला है, और इस वजह से ये न्यूज में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फोना एंड देयर स्टेटस इन IUCN रेड लिस्ट इज नॉट मैच्ड करेक्टली, घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मगर वल्नरेबल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लिस्ट कंसर्न, जिराफ इंडेंजर्ड। सेम नेचर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि आपको याद हो जाए क्लास के साथ में। टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो जिराफ जो है वो इंडेंजर्ड नहीं है। आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं कि जिराफ जो है काफी ज्यादा संख्या में मिलते हैं, तो ऑब्वियसली जिराफ को इतना खतरा नहीं होगा। जिराफ का जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, थोड़ा सा आप जो है माइंड भी अप्लाई कर सकते हैं, वल्नरेबल है जिराफ। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन जो है करेक्टली मैच है, तीनों को याद रखना है। घड़ियाल का हमने कवर किया था, चंबल सेंचुरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मगर वल्नरेबल है, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है लीस्ट कंसर्न है, तीनों को आपको ध्यान रखना है। जिराफ जो है इंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल है। और जिराफ हमने कहां पर पढ़ा था, मॉर्निंग में हमने व्हाइट जिराफ को कवर किया था, और हमने ये पढ़ा था कि जिराफ व्हाइट जिराफ सिर्फ तीन ही बचे थे, और उसमें से एक मदर थी और दो बच्चे थे, और मदर और एक बच्चे को पोचर ने जो है उनको मार दिया था, तो अब सिर्फ एक ही वाइट जिराफ बचा हुआ है, और वो कहां पर है, कीनिया में है, इस वजह से ये न्यूज में था। वाइट जिराफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिराफ जो है वल्नरेबल है, जिराफ को आप याद रखें वल्नरेबल है वाइट जिराफ, क्योंकि एक ही बचा है तो ऑब्वियसली ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा। ओके, आपने यही लॉजिक लगा था, करेक्ट है आपका आंसर। चलिए, घड़ियाल जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मगर वल्नरेबल है, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल लीस्ट कंसर्न है। आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट एंड बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई इज नॉट मैच्ड करेक्टली, ये भी हमने मॉर्निंग में कवर किया था। केरला की जो केरला, मालाबार बैंडेड पिकक, तमिलनाडु साउदर्न बर्ड विंग, उत्तराखंड कॉमन पिकॉक, महाराष्ट्र ब्लू मॉर्मोन। तो पांच स्टेट है इंडिया में जिनकी
अपनी स्टेट बटरफ्लाई है। तो कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं करता है, आपको ये बताना है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसमें भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं, केरल का जो कोस्ट है वो कौन सा होता है, मालाबार कोस्ट है। तो यहाँ पर जो बटरफ्लाई, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ जो बटरफ्लाई मिलेगी वो मालाबार के नाम से हो सकती है, तो आप इस ऑप्शन को लॉजिकली जो है एलिमिनेट कर सकते थे। ये जो पेयर है करेक्टली मैच है। साउदर्न बर्ड विंग जो है तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु जो है अभी रिसेंटली तमिलनाडु ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की है, जिसका नाम है तमिल योमान। इस वजह से ये न्यूज में था। तमिल योमान जो है तमिलनाडु की स्टेट बटरफ्लाई है। तो ये ऑप्शन जो है, ये जो बी है आपका करेक्ट आंसर है, ये क्योंकि ये पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। उत्तराखंड की कॉमन पिकॉक है और महाराष्ट्र की ब्लू मॉर्मोन है। तो पांचों जो स्टेट है जहाँ जिन्होंने अपनी स्टेट बटरफ्लाई को डिक्लेयर किया है उनको एक बार देख लेते हैं हम। तमिलनाडु की तमिल योमान है, आपको याद रहेगा तमिल तमिल से। और केरला का मालाबार से याद रखिए, केरला का जो कोस्ट है वो मालाबार कोस्ट है, तो मालाबार बैंडेड पिकॉक। कर्नाटका का है सदर्न बर्ड विंग, सदर्न बर्ड विंग को आप याद रखिए इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। उत्तराखंड की कॉमन पिकॉक, महाराष्ट्र की ब्लू मॉर्मोन। इस तरह से आपको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रैफिक। और ट्रैफिक क्या है? द वर्ल्ड वाइड ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, इट इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वर्किंग ग्लोबली ऑन ट्रेड इन प्लांट एंड वाइल्ड एनिमल फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। करेक्ट आंसर ओनली वन, ओनली टू, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। ट्रैफिक जो है उसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या वो यूएन की एजेंसी है और क्या काम करता है, दो स्टेटमेंट ये है। टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रैफिक जो है यूएन की एजेंसी नहीं है, ट्रैफिक सिर्फ एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, टू जो है वो करेक्ट है। ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड की मॉनिटरिंग करता है, तो उससे सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होता है। तो जो है करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी टोटल क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अभी तक हमने कवर किए हैं। हमारे पास आधे घंटे का समय रहता है इसलिए लिमिटेड ही हम कवर कर पाते हैं। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक ने रेड पांडा पर रिपोर्ट दी थी, ये मॉर्निंग में हमने पढ़ा था। जो है आईयूसीएन के स्टेटस क्या है, रेड पांडा की एंडेंजर्ड है। और ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको किसने बनाया था, आईयूसीएन और WWF, तो उस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ, आपको इसको याद रखना है। ग्लोबली वर्क करता है प्लांट और वाइल्ड लाइफ के ट्रेड को लेकर। अब आपका जो क्वेरी है, मॉर्निंग में जो थ्योरी वाली क्लास होती है उस चैनल का नाम मैं बता रहा हूँ, बिगनर टू मास्टर। अनअकैडमी, यहाँ पर थ्योरी वाली क्लास होती है। कोर्स का नाम है क्विक रिवीजन मॉड्यूल 400+ करंट अफेयर के टॉपिक।
उसी पर एमसीक्यू यहाँ इस चैनल पर होते हैं, यूपीएससी वेस्ट। थ्योरी की क्लास मॉर्निंग में होगी और आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग रहे हैं क्योंकि मैंने इंटेंशनली इनको टिपिकल बनाया है ताकि आप टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इजी क्वेश्चन को इजीली जो है आसानी से टैकल कर सकेंगे। और दो तीन चीजें और हम रिवाइज कर लेते हैं जो मॉर्निंग में हमने पढ़ा था। जो इंडियन बुल फ्रॉग है वो लार्जेस्ट फ्रॉग ऑफ इंडिया है, इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉग है, इसका IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न है। कार्निवोरस है ये, इसकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। नाम क्या है? इंडियन बुल फ्रॉग, लार्जेस्ट फ्रॉग ऑफ इंडिया। डुगोंग के बारे में हमने मॉर्निंग में पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वर्ल्ड डुगोंग डे जो है अभी सेलिब्रेट किया गया था, इस वजह से ये न्यूज में था, 28 मई 2020। और इस डे की जो थीम थी वो थी सेव डुगोंग सेव लाइवलीहुड। तो कई बार थीम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं यूपीएससी में कि पर्टिकुलर डे की थीम क्या थी, तो वो आपको ध्यान रहनी चाहिए। अगर आप इसको याद नहीं कर सके तो भी आप इसको दो तीन बार अगर आंख के आगे निकालेंगे तो आपको ध्यान रह जाएगा, एग्जाम में आप टिक करके आ जाएंगे। थीम क्या है? सेव डुगोंग सेव लाइवलीहुड। IUCN स्टेटस क्या है? डुगोंग की वल्नरेबल। और इसकी इमेज यहाँ पर है, इसको दूसरा नाम है इसका सी काऊ भी कहते हैं इसको। ओके थैंक यू वेरी मच। शोला ग्रासलैंड जो है उसको हम मॉर्निंग में हमने कवर किया था, एक बार और मैं जो है रिवाइज करा देता हूँ। एक्सपर्ट कमेटी है मद्रास हाई कोर्ट की, कमेटी ने ये कहा है कि एक्जोटिक स्पीसीज जैसे कि मान लिया टी प्लांटेशन है, अगर वो शोला जो फॉरेस्ट के आसपास किया जाता है तो देट कैन वाइप आउट शोला ग्रासलैंड। शोला ग्रासलैंड जो है इस तरह के जो है ग्रासलैंड है जहां पर जो है ड्वार्फ ट्रीज होते हैं, कम हाइट के ट्री होते हैं और रोलिंग ग्रासलैंड होता है बीच में। ये वाला ग्रासलैंड है, ये ट्री है, फिर ये ग्रासलैंड है और ये ट्री है, ट्री की हाइट बहुत कम होती है। और कहां पर मिलता है शोला फॉरेस्ट? वेस्टर्न घाट में, माउंटेन फॉरेस्ट है ये, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है। और सिग्निफिकेंस क्या है? ये वाटर के रिजर्वायर है क्योंकि वेस्टर्न घाट के कई सारी जो रिवर है वो शोला फॉरेस्ट से निकलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये मैं जो है इसका डिटेल में हमने मॉर्निंग में हमने कवर कर लिया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। वाइल्ड पॉपी क्या है? ये जो है फ्लावर की एक जो है वैरायटी है, इसको क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर भी कहा जाता है। ये हाई एल्टीट्यूड पर मिलती है, 3 to 5 thousand meter की हाइट पर मिलती है। न्यूज में क्यों थी? क्योंकि ये अपनी हाइट को और ज्यादा ऊंचाई पर जा रही थी, यानी कि ये हाइट को शिफ्ट कर रही थी। किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ब्लू पॉपी है जो हिमालय में मिलती है वो और ज्यादा अधिक हाई एल्टीट्यूड पर शिफ्ट हो रही है, ये न्यूज में था टॉपिक, तो वो हमने इस तरह से कवर किया था। और अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज करें AJ01, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल कोर्सेज और आने वाले हैं। अभी हमारा 400+ करंट अफेयर जो है चल रहा है। और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्लास की PDF वहां पर मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच क्लास में बने रहने के लिए। और कल दोबारा मिलते हैं इसी टाइम पर, और मॉर्निंग में मिलते हैं 8 to 9 बिगिनर्स टू मास्टर पर चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।